साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान केस में मुंबई के क्रूज ड्रग केस में बहुत बड़ी खबर है और ये है कि अब नया विवाद इसमें जुड़ता हुआ दिख रहा है। हालत यह है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ढडलानी इसमें फंसती हुई दिख रही है। पूजा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सिर्फ 5 दिन बचे हैं और 5 दिन बाद बड़ा एक्शन हो सकता है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। खबरें तो यहां तक हैं कि या तो गिरफ्तारी होगी या फिर केस ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, कैसे फंस गई पूजा ढडलानी और नए साल में अब क्या होने वाला है आगे, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आर्यन खान केस में कई दिनों तक मचे हंगामे के बाद बवाल तब बढ़ गया था जब केपी गोसावी और उसके साथियों पर कई तरह के आरोप लगे थे। आरोप तो यहां तक हैं कि समीर वानखेड़े तक को इसमें घसीट लिया गया था और कहा गया कि शाहरुख खान से लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे और पैसा देने की एवज में आर्यन खान को छोड़ने की डील कर रहे थे, ऐसे आरोप लगाए गए। आनंद फानंद में इस केस की जांच मुंबई पुलिस को सौंप दी गई क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल तब हो गया जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने इस मामले पर गंभीर आरोप लगाए जिसमें जांच शुरू की गई, कई लोगों से पूछताछ हुई और सीधे सीधे निशाने पर कोई और नहीं बल्कि मुंबई जोनल एनसीबी हेड समीर वानखेड़े थे। इसी केस में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ढडलानी को भी समन भेजा गया और एक नहीं बल्कि दो दो बार पूजा ढडलानी को समन भेजा गया क्योंकि आरोप यही था कि पूजा ढडलानी ही अपनी नीली रंग की कार में पैसे की पहली किश्त देने भी गई थी और आरोप था कि पूजा ढडलानी ही शाहरुख खान की तरफ से इस पूरे मामले में डील कर रही थी। अब पूजा ढडलानी मुंबई पुलिस के पहले समन पर नहीं पहुंची, उसके बाद पूजा को दोबारा बुलाया गया तो दोबारा भी पूजा नहीं पहुंची और दलील दी गई कि अभी पूजा ढडलानी नहीं आ सकती। लेकिन अब इसी मामले में बड़ा फैसला या कहें कि बड़ा एक्शन होने वाला है, बड़ा दिन आने वाला है। जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि पूजा ढडलानी को फिर से मुंबई पुलिस ने बुलाया है और इसके लिए सिर्फ 5 दिन दिए हैं, यानी कि 31 दिसंबर तक की तारीख पूजा ढडलानी को दी गई है और इस बार पूजा को आना ही आना है क्योंकि अगर इस बार पूजा ढडलानी नहीं आई तो फिर होगा एक्शन। मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक इस बार नए साल में यानी कि 1 जनवरी के बाद इस केस में एक नहीं बल्कि दो दो सिनेरियो बन रहे हैं और दोनों ही संभव हैं। दोनों सिनेरियो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर पूजा ढडलानी इस बार भी मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने नहीं आती है तो फिर पूजा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकता है जिसमें सीधे ही पूजा ढडलानी को गिरफ्तार किया जाएगा और ये सब कुछ नए साल में यानी कि 1 जनवरी के बाद हो सकता है। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, दूसरा सिनेरियो ये है कि पूरा केस ही बंद हो जाए। जी हाँ, ये भी खबरें हैं, ये भी बातचीत चल रही है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच कर रही एसआईटी पूरे मामले को ही बंद करने पर विचार कर रही है। अगर पूजा ढडलानी नहीं आती है तो फिर 1 जनवरी को या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में इस पूरे केस को ही बंद करने का ऐलान किया जा सकता है। एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले तक अभी तक कोई भी फॉर्मल शिकायत ही नहीं दी गई है और अब तक की जांच सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस ने अपने सुओ मोटो के आधार पर की है और अब तक की जांच में पैसे के लेन देन या फिर ऐसी डील जैसा कुछ भी नहीं मिला है। ना तो इस केस में अब तक पूजा ढडलानी ने अपने बयान दर्ज किए और ना ही मुंबई पुलिस को कोई भी गड़बड़ी या फिर कोई भी पैसे का लेन देन डील जैसा कुछ मिला है। यानी कि एक तरह से मुंबई पुलिस का साफ साफ मानना है, साफ साफ कहना है कि पैसे मांगने या फिर आर्यन की रिहाई के बदले रंगदारी लेने, पैसे की डिमांड करने जैसा कुछ था ही नहीं। अब वो सिर्फ नवाब मलिक का आजमाया हुआ पैंतरा हो सकता है जिसमें कुछ लोगों से पूछताछ हुई, पूजा ढडलानी शुरुआत में अंडरग्राउंड तक हुई। अब इस पूरे मामले में दूसरे वाले सिनेरियो के चांसेस जरूर ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि नए साल में कुछ न कुछ तो होना है जिसमें पूजा ढडलानी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अगर पैसे मांगने जैसा कुछ था ही नहीं तो फिर क्या सिर्फ समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए, समीर वानखेड़े को कम करने के लिए, समीर वानखेड़े की ताकत को कम करने के लिए, समीर वानखेड़े को मुंबई में काम नहीं करने देने के लिए सब कुछ रचा गया, या फिर पूजा ढडलानी के सामने नहीं आने पर सच भी सामने नहीं आ पा रहा? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें अभी और वीडियो को शेयर भी करें।
तो आर्यन खान के ड्रग केस में फंसने के बाद जेल जाने के बाद शाहरुख खान लगातार घर पर ही थे। करीब 2.5 महीने तक शाहरुख खान बिना काम के घर पर बैठे रहे, अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग कैंसिल कर दी और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान केस ही रहा। अब इस बीच लंबे समय बाद शाहरुख खान ने एक बार फिर से फिल्म पठान की शूटिंग शुरू की। शाहरुख खान दुबई में शूटिंग कर रहे हैं और आर्यन खान मामले से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब इधर मुंबई में पहले शाहरुख और आर्यन को तब बड़ा झटका लगा जब मुंबई पुलिस की जांच में समीर वानखेड़े को क्लीन चिट मिल गई। जी हाँ, आर्यन केस में पैसे वसूलने वाली जैसी कोई बात निकली ही नहीं है और बड़ी बात यह है कि जांच मुंबई पुलिस ने की थी, लिहाजा ये साफ हो गया है कि आर्यन खान को क्रूज से ही पकड़ा गया था और ड्रग केस में ही पकड़ा गया था। पैसे ऐंठने जैसा यहां मामला कुछ भी नहीं था और इसीलिए आर्यन खान को ड्रग केस में आगे और मुश्किलें आने वाली हैं, बढ़ने वाली है। यही नहीं, ये सब कुछ तो शाहरुख और आर्यन के खिलाफ गया ही गया। साथ ही साथ इधर फिल्म इंडस्ट्री से भी शाहरुख खान को बड़ा धोखा मिला है और वो धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान का सबसे करीबी दोस्त कहा जाने वाला करण जौहर है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं कि करण जौहर ने भी शाहरुख खान का साथ छोड़ दिया है। करण जौहर ने आर्यन को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है, मदद करने से इनकार कर दिया, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ये खबरें आ रही थी पहले भी कि शाहरुख खान और करण जौहर के बीच में इस बीच दूरियां हैं। शाहरुख खान के साथ अब करण जौहर करीब नहीं दिखना चाहते और बड़ी खबर अब ये है कि शाहरुख खान को करण जौहर ने बड़ा धोखा दे दिया है और ये धोखा किसी और मामले में नहीं बल्कि आर्यन खान के ही मामले में। असल में आर्यन खान फिल्म मेकिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले थे मगर जब पासपोर्ट जब्त है, विदेश जाने पर रोक है, तो आर्यन न्यूयॉर्क क्या कहीं भी नहीं जा सकते और इसीलिए तय किया गया कि आर्यन खान मुंबई में ही किसी फिल्म मेकर के पास फिल्मिंग की बारीकियां सीखेगा। खबरें थी कि यशराज कैंप और जौहर कैंप में शाहरुख खान के बेटे की एंट्री हो सकती है क्योंकि यही दोनों कैंप बॉलीवुड में बड़े फिल्मी हाउस माने जाते हैं और हर साल कई सारी फिल्में बनाते हैं और शाहरुख खान की भी इन दोनों कैंप में खासा दखल। अब खबरें आगे बढ़ती, आर्यन खान को लेकर कुछ अनाउंसमेंट होता इससे पहले ही करण जौहर ने शाहरुख खान को पीठ दिखा दी। जी हां, खबरें हैं मुंबई से लगातार कि करण जौहर ने आर्यन खान को अपने प्रोडक्शन हाउस में लेकर चलने से इनकार कर दिया है। आर्यन को लेकर जौहर को लगता है कि इससे धर्मा प्रोडक्शन के बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा और इसीलिए आर्यन के साथ वो काम नहीं करेंगे। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबरें तो यहां तक हैं कि करण जौहर ने शाहरुख खान का फोन तक उठाने से इनकार कर दिया। जी हां, ये भी खबर आ रही है कि करण जौहर शाहरुख का फोन पिक नहीं कर रहे, कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे, यहां तक कि मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे, जिससे शाहरुख की टीम को यही लगने लगा है कि करण जौहर के यहां आर्यन खान के लिए बात बनने वाली है नहीं और फाइनली करण जौहर ने धोखा दे दिया है। ये सब कुछ यहां पर साफ हो चुका है। अब शाहरुख को उम्मीद थी कि मुश्किल में करीबी दोस्ती काम आएंगे मगर करण जौहर ने मुश्किल के वक्त ही पीठ दिखा दी है जिससे शाहरुख की आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि यशराज कैंप के साथ शाहरुख खान पठान फिल्म बना रहे हैं और हो सकता है कि यशराज के साथ ही बेटे को भी फिल्म मेकिंग शाहरुख खान सिखाए, लेकिन इतना तो तय है कि बॉलीवुड में सिर्फ उगते सूरज को सलाम किया जाता है। यहां यारी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ सफलता और पैसे देखकर होती है। जो असफल है उसके पास कोई जाना नहीं चाहता, उसकी मदद कोई करना नहीं चाहता, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है और जब शाहरुख खान को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है तो बाकी लोगों को क्या क्या झेलना यहाँ पड़ता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है, बॉलीवुड से इस तरह की गंदगी क्या साफ होनी चाहिए और करण जौहर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।